रेडी। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने की केंद्र सरकार की तैयारी समय की आवश्यकता है, आशा की जा रही है कि इस तरह का कोई कानून संसद के इसी सत्र में आ सकता है, क्योंकि बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाने जा रही है। ऐसे कानून की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली होना अथवा उनके प्रश्न पत्र लीक हो जाना बहुत आम हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं या फिर उनमें धांधली के मामले सामने आए हैं। जब ऐसा होता है तो केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, बल्कि लाखों छात्रों के संसाधन एवं समय की बर्बादी भी होती है। परीक्षा प्रणालियों के संदर्भ में जितना यह जरूरी है कि उनका संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ किया जाए, उतना ही यह भी कि वे युवाओं को भरोसा दिलाने वाली हों कि उन्हें उनके प्रयासों का उचित प्रतिफल मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित है। यह ठीक है कि कुछ वर्षों में कुछ राज्यों ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ऐसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की है। लेकिन यह कहना कठिन है कि भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों के दुस्साहस का दमन हो पा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली
करने वालों के संगठित गिरोह तैयार हो चुके हैं। स्टॉप।